देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन का कार्यकाल 26 अगस्त को खत्म होने वाला है। ऐसे में अब नए चीफ जस्टिस के नाम पर मंथन तेज हो गया है और जिसके लिए लिस्ट में कई नाम हैं। तो कौन हो सकता है देश का अगला चीफ जस्टिस, क्या होती है इसकी पूरी प्रक्रिया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश को 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति मिल चुका है और 6 अगस्त को वोटिंग के बाद उपराष्ट्रपति भी मिल जाएगा। इन सब के बाद अब देश को नया चीफ जस्टिस भी मिलने वाला है और इसके लिए अब सभी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि देश का अगला चीफ जस्टिस कौन होने वाला है। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन का कार्यकाल इसी महीने यानी 26 अगस्त को पूरा होने वाला है। ऐसे में अब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, इस पर चर्चा तेज हो गई थी और कई नाम लिस्ट में थे जिन पर चर्चा चल रही थी। और आज चीफ जस्टिस एनवी रमन ने नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश दे दी है। रमन ने यूयू ललित के नाम की सिफारिश अपने उत्तराधिकारी के तौर पर की है और अब जस्टिस यूयू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हालांकि जस्टिस रमन को ये नाम 26 जुलाई को ही देना था। ऐसा इसलिए क्योंकि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को केंद्र सरकार को सिफारिश भेजनी पड़ती है। सामान्यतया मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को यह सिफारिश अपनी सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले भेजनी होती है, लेकिन इसमें देरी होने के चलते बीती रात यानी 3 अगस्त को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था जिसमें सीजीआई रमन ने नए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करने के लिए कहा गया था। हालांकि परंपरा के मुताबिक तो सुप्रीम कोर्ट में दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस उदय उमेश ललित के ही अगले मुख्य न्यायाधीश होने के संकेत थे, यानी सिर्फ सीजीआई को सिफारिश भेजनी थी और अब एनवी रमन ने नाम की सिफारिश भेज दी है, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश रमन कॉलेजियम की बैठकों में फैसला नहीं ले सकेंगे। बता दें कि कॉलेजियम उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति करने वाला निकाय है जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 5 वरिष्ठ जज होते हैं। वहीं उदय उमेश ललित को लेकर भी कई तरह की अटकलें थी कि अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनका कार्यकाल केवल 3 महीने का ही होगा। ऐसे में इस लिस्ट में एक और नाम की चर्चा थी और वो है जस्टिस ललित के बाद अगले वरिष्ठतम जज जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो देश के अगले मुख्य न्यायाधीश हो सकते थे। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, लेकिन अब रमन की सिफारिश के बाद नाम पर मोहर लग चुकी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।